हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 10th। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, आखिर हमारा जो CBSE का बोर्ड एग्जाम होता है, उस एग्जाम में कितने मार्क्स के इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इससे क्या होता है कि टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और ये 4 मार्क्स भी डिवाइड हो जाता है ऐसे, ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स का। और 3 मार्क्स का क्या आता है, 1 क्वेश्चन, ठीक है, ये 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो ये होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। CBSE के एग्जाम में क्या है, टोटल 4 मार्क्स का आएगा, एक 1 मार्क्स से एक क्वेश्चन आ जाता है और एक 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाता है। वैसे हमने पूरे चैप्टर, जितने 12th के चैप्टर्स है, पूरा उनका चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लोग उसके थ्रू जाके हर चैप्टर का वेटेज देख सकते हो कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब करेंगे क्या, पहले हम इस चैप्टर का जो ये है कि क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पहले इसको ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर है क्या। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्या देखेंगे, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज डिग्री इज वन, देन वो क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन। इसको समझने के लिए अपन करेंगे क्या, एक एग्जांपल ले लेंगे कि लेट 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन। और इसके इसमें ये देखिए, जो अपन का ये x होता है, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल, इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। x को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो देखिए जो ये इक्वेशन है 4x प्लस 1 में, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल, और वो क्या है, x, ठीक। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। ओके, अब इसके बाद से नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद से अब लिखिए कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, क्योंकि जो हमको पढ़ना क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब क्या लेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन किस में ले लेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू अपन क्या ले लिए, 0। तो यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल हो गए, यहाँ पे x और y ये दोनों क्या हैं, वेरिएबल, और टोटल कितने वेरिएबल हैं, 2। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, यही हमको पढ़ना था कि लीनियर इक्वेशन इन क्या, टू वेरिएबल्स। ओके, क्लियर हो गया। अब करेंगे क्या, ये लिख लीजिए जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0। जनरल इक्वेशन क्या हो जाता है, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या ले लेते हैं, हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे अभी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वहाँ पे ले लेते थे 0, तो क्या हो जाता था, जनरल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या ले लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इसका जनरल इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। और जैसे इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2, और ये वैल्यू किसकी होती है, बी इक्वल टू 2। ओके, बी इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 5। तो इसका मतलब ए और बी ये दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ओके, रियल नंबर्स होते हैं। और इसकी एक कंडीशन ये भी होती है कि ए नॉट इक्वल टू 0
और बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंपलसरी कंडीशन है कि ए भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और बी भी नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। और हमको पढ़ना है क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम वाई इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो इक्वेशन क्या बच जाएगा, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तब भी क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन अपन को इसमें पढ़ना क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो पूरा क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलिए अब इसके बाद से अपन करेंगे क्या, जो हम लोगों को मेन चीज पढ़ना है अब क्या है, अब ये लेंगे कि पेयर ऑफ क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं, x प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब देखिए पेयर, पेयर मतलब क्या होता है, दो। तो यहाँ पे अपन कितने इक्वेशन ले लिए, वन और टू, इन किस में टू वेरिएबल, यहाँ पे भी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, यहाँ पे भी एक और दो। तो ये दो इक्वेशन हो गए, मान लीजिए पहला इक्वेशन ये और ये दूसरा। तो ये हमारा चैप्टर है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब चलिए अब इसको समझने के लिए, अब अगर हम इसका जनरल फॉर्म ले लेंगे, कौन सा फॉर्म, जनरल फॉर्म। तो दो लाइन तो पहले को ले लेते हैं कि लेट ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा अपन क्या ले लिया, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ठीक, ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन क्या हो जाता है, टू वेरिएबल। ये इसका क्या होता है, जनरल फॉर्म। तो जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चंस को आगे जब देखेंगे, ये चीज़ जानना। अभी वन वेर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और सिर्फ जब लीनियर इक्वेशन था, वन लीनियर इक्वेशन था, तो जनरल इक्वेशन अपन क्या लिए थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे दो इक्वेशन हो गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए, इसलिए अपन क्या ले लिया, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से अगर कंपेयर करके, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को अपन इससे कंपेयर करेंगे, और सेकेंड वाले को किससे, यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो ए वन इक्वल टू वन, ओके, फिर बी वन इक्वल टू टू, और सी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। यहाँ देखिए ए वन इक्वल टू वन, बी वन इक्वल टू टू, और सी वन इक्वल टू क्या हो गया, वन। ओके, अब देखते हैं यहाँ से, देखिए ए टू इक्वल टू टू, फिर बी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री, एंड सी टू इक्वल टू फोर। तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब इतना तो हम समझ गए कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। ओके, अब करना क्या है कि, अच्छा ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया, तो मैथ्स है, तो मैथ्स में क्वेश्चन का क्या हम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम जो आगे देखने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही इस चैप्टर में अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पढ़ना है। ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ठीक है, पेयर सॉल्यूशन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की टोटल कितनी टेक्निक देखेंगे हम लोग, मेनली ये इसको दो टाइप से सॉल्व किया जाता है। पहला क्या होता है, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक
मेथड कौन सा होता है? अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड हो गया अलजेब्रिक, और पहला क्या था? ग्राफिकल मेथड। अब वन बाय वन दोनों को समझेंगे, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड को भी सॉल्व करने की टोटल कितनी टेक्निक है? 3। और इसमें अलजेब्रिक मेथड में भी हम 3 टाइप्स से देखेंगे, ठीक है। पहला क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मेथड। और इसके बाद से क्रॉस मल्टी मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ये पूरा एक फ्लो चार्ट हो गया कि जो सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को टोटल कितने तरीके से देखेंगे। पहला क्या है? ग्राफिकल मेथड से, और दूसरा क्या है? अलजेब्रिक मेथड से। और अलजेब्रिक मेथड में टोटल 3 टेक्निक्स होगी। पहला क्या होगा? बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होगा बाई इलिमिनेशन मेथड। और थर्ड क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। ओके, अब चलिए अब देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ठीक। तो ग्राफिकल सबसे पहले क्या करेंगे कि अपन जनरल इक्वेशन ले लेंगे, ये ले लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म अपन ले लिए, ठीक। अब देखिए ग्राफिकल मेथड में करते क्या हैं। पहला जो इसमें है, सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको पहले इस फॉर्म में चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 में क्या रिलेशंस हैं, वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट है कि अपन करेंगे क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, लिखिए 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। एक क्या एग्जांपल ले लिए, 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर दूसरा एक एग्जांपल ले लेंगे, 6x प्लस 8y प्लस 18 इक्वल टू क्या हो गया? 0, ठीक है। 6x प्लस 8y प्लस 18 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। और ये इक्वेशन क्या करेंगे? सेकंड। और करेंगे क्या, इस इक्वेशन से कंपेयर करके एक एक स्टेप को समझेंगे। तो यहाँ से देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये अपन का क्या है, ये a1 है, ये क्या है? b1 है। और ये क्या है? c1 है। ये क्या है? a2 है। ये क्या है? b2। और ये क्या है? c2। ओके, अब चलिए यहाँ पे चेक करेंगे a1 अपॉन a2, तो 4 अपॉन 6, यही है ना, a1 अपॉन a2, यहाँ से 6 a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, 6 अपॉन 8। तो जब इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 4, और ये क्या, 2 3 जा 6 और 2 4 जा, तो ये क्या आ गया, 2 अपॉन 3, और ये 3 अपॉन 4, ये इक्वल है। ये हो गया कि इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब पहले ही केस में हमको क्या मिला कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहला केस क्या मिल गया, जब इसको अपन क्या किए, चेक किए, ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, ग्राफिकल मेथड से। तो इसको प्लीज़ ब्रीफली इसको समझिए। तो करेंगे क्या, सबसे पहले a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 वो चेक किए, तो यहाँ से जब अपन सॉल्व किए तो ये क्या मिल गया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जो अपन का सॉल्यूशन आएगा ये क्या होगा, इसको ध्यान से समझिए, ये आता है इंटरसेक्टिंग, ये आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाती हैं, फिर इसके बाद से आता है ओनली वन सॉल्यूशन। क्या आएगा यहाँ पे, ओनली वन सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है, कंसिस्टेंट, ये क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट, ये हो जाएगा अपन का कंसिस्टेंट। ओके, तो देखिए ग्राफिकल मेथड में पहले इसको समझिए,
करना क्या है कि दो इक्वेशन दिए रहेंगे, उनका a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 सबको लेके चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन आती है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो जो दो पेयर ऑफ लाइन्स है वो क्या क्या सेटिस्फाई करेगी। पहले तो क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या, ये ऐसे और ये ऐसे एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, देखो कितनी जगह कट करेंगे, सिर्फ एक जगह, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहाँ पे क्या है, जहाँ पे कट करती है यही इसका क्या होता है, सॉल्यूशन हो गया। कितनी जगह लाइन कट कर रही है, वन वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं से मिलता है कि ओनली वन सॉल्यूशन, ओके। और जो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा, ओके। बात आ रही समझ में ना, ठीक। ये हो गया ग्राफिकल मेथड की फर्स्ट टाइप, ठीक। और इसके बाद से आते हैं इसके सेकंड टाइप पे, इसको समझने के लिए अब फिर चलते हैं नेक्स्ट। पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक। अब इसका अपन क्या करेंगे, दूसरा केस लेंगे, क्या करेंगे दूसरा केस, इसके लिए क्या करिए, पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक। अब दूसरे केस में भी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये ले लेंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, वो क्या करेंगे, चेक करेंगे ये दोनों में क्या रिलेशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है या नहीं। तो इसको भी समझने के लिए सबसे बेस्ट है कि अपन क्या करेंगे, एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल ले लीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसके पास एग्जांपल ले लीजिए 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू क्या कर लिए, 0, एग्जांपल ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक। क्या चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ओके। अब यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू क्या है, 2, b2 b1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या है, 4, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए b1 की वैल्यू क्या है, 3, और b2 की वैल्यू क्या है, 6, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये क्या निकल के आ जाएगा, 1/2, और ये 1/2, तो यहाँ से आ गया कि 1/2 इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से ये निकल के आ गया कि a1 अपान a2 इक्वल टू क्या हो गया, b1 अपान b2, ओके। तो इस केस में जब भी हमको ये मिल जाए कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, तो अपन करते क्या है, इसमें एक स्टेप और प्रोसीड कर लेते हैं, और वो स्टेप होता क्या है, ये वाला कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान क्या है, b2 इक्वल टू क्या चेक करेंगे आप, c1 अपान c2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 पहला केस था, दूसरे केस में क्या हुआ कि यहाँ पे हमको मिल गया कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 फाइंड आउट हो गया, तो तीसरे स्टेप पे आते हैं c1 अपान c2 पे, फिर चेक करते हैं कि चलिए होता क्या है। अब यहाँ पे चेक करें c1 अपान c2, c1 की वैल्यू क्या है, 4, c2 की क्या है, 8, यहाँ पे भी तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इस केस को भी इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। इस केस को भी क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ओके। अब तो इस केस में क्या होता है, जब ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाए कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा किस टाइप का हो जाएगा, पहला क्या होता है, जो लाइन होगी कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएगी। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक, कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है, ठीक, कॉन्सिडेंट लाइन्स हो गई। फिर क्या हो गया, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हो गया, इनफाइनाइटली कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, मेनी सॉल्यूशंस, और जो लाइन क्या हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। देखिए इस केस में होता क्या है कि जैसे ये लाइन एक मिलेगी, ठीक है,
और जो दूसरी लाइन होगी जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अभी इसका एक एक का ग्राफ प्लॉट करके भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो जो दूसरी पहली लाइन का ग्राफ ये आया और दूसरी लाइन का भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये इसी लाइन से होते हुए क्या करेगी, ओवरलैप कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन को कितनी जगह कट कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कितनी जगह कर रही है, देखिए ये 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 इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स क्या कर रही है, इस लाइन को कट कर रही है इस लाइन पे, ठीक है। तो इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट्स इसके थर्ड पार्ट पे। अब क्या करेंगे, इसके थर्ड पार्ट पे देखते हैं कि ओके स्टूडेंट्स अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में भी पहले क्या चेक करेंगे, ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इक्वल टू क्या देखा जाता है, सी वन अपान सी टू। ओके, इसको भी समझने के लिए अपन करेंगे क्या कि एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू क्या ले लिए, जीरो, ठीक है, ले लिए। फिर सिक्स वाई सिक्स एक्स प्लस नाइन वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, दो एग्जांपल, इक्वेशन फर्स्ट और क्या हो गया इक्वेशन सेकंड। और यहाँ पे भी चेक करेंगे क्या, ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इक्वल टू क्या, सी वन अपान सी टू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए वन की वैल्यू क्या है, टू, ये हो जाएगा टू अपान सिक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थ्री अपान नाइन, और ये क्या हो गया, फोर अपान नाइन, टू वन जा टू, टू थ्री जा थ्री, वन जा और थ्री, तो यहाँ से क्या आ गया, वन अपान थ्री इक्वल टू वन अपान थ्री नॉट इक्वल टू क्या आ गया, फोर अपान नाइन। ओके, तो यहाँ से हमको क्या रिजल्टेंट मिल रहा है बेटा, यहाँ पे रिजल्टेंट मिला ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू। इसके पहले वाले केस में क्या था कि ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इक्वल टू क्या था, सी वन अपान सी टू, और यहाँ पे क्या हो गया, नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू। ओके, तो इस केस में जो सॉल्यूशन होता है क्या क्या हो जाएगा, दोनों लाइन कौन सी लाइन हो जाएंगी, पहले तो हो जाएंगी ये कौन सी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, और जो सॉल्यूशन होगा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, और क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, और क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट, ठीक। अब इसको अपन करेंगे क्या कि अब इसका एक डायग्राम रफली बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि होता क्या है। देखिए इस केस में क्या होता है कि दो लाइन मिलेगी, एक मान लीजिए पहली लाइन ये होगी और दूसरी लाइन ऐसे मिल जाती है, ठीक। ये कौन सी लाइन हो गई, दोनों कौन सी लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक। जब दो लाइन पैरेलल हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्यों, किसी भी दो लाइन का सॉल्यूशन तब मिलता है जब दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो चलिए अब हम करते क्या हैं कि जो हमारा ये जो क्या था चैप्टर का नाम, पेयर सॉल्यूशन ऑफ क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए बेटा इसको एक बार फिर से रफली समझते हैं कि आखिर करते क्या है। तो इसमें क्या रहेगा कि दो इक्वेशन दिया रहेगा, मान लीजिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, इस टाइप के दो इक्वेशंस दिए रहेंगे। हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड की। तो करते क्या है कि पहले तो चेक कर लेंगे कौन से केस से, ए वन अपान ए टू बी वन अपान बी टू और सी वन अपान सी टू से जो तीनों कंडीशंस थी, ठीक है। और इसके बाद से बात करेगा कि इसका सॉल्यूशन किसके थ्रू, बाय ग्राफिकल मेथड के थ्रू फाइंड आउट करिए। तो इसका सॉल्यूशन ग्राफ के थ्रू निकालने के लिए करते क्या है कि सबसे पहले पहली लाइन का इक्वेशन ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हो गया x x डैश y y डैश, और ये क्या हो गया, ओरिजिन। तो मान लीजिए पहली लाइन का ग्राफ कुछ ऐसे आया, ठीक।
और ये पहली लाइन का ग्राफ है और मान लीजिए दूसरी लाइन का ग्राफ कैसे है ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन कितनी जगह कट कर रही है, पहली जगह, तो जो इसका पहला केस था वो हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, वन सॉल्यूशन।